बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। दुनिया भर से उनके चाहने वाले उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं, लेकिन उनको सबसे खास अंदाज में उनके पति ने विश किया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने पत्नी परिणीति चोपड़ा को स्पेशल तरीके से शुभकामनाएं दी हैं। राघव चड्ढा ने परिणीति के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा लिखा जो खूब वायरल हो रहा है। राघव चड्ढा ने लिखा, आपकी हंसी, आपकी आवाज, आपकी सुंदरता और आपकी कृपा। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान ने एक व्यक्ति में इतना जादू कैसे फिट कर दिया। जैसे जैसे आप आज अपने जन्मदिन पर और अधिक तेजस्वी और समझदार होते जा रहे हैं, मुझे आशा है कि आपके सभी सपने सच होंगे। तुम पारू मेरा सबसे कीमती उपहार हो और मैं तुम्हें और भी अधिक मुस्कुराने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। जन्मदिन मुबारक हो मेरी राजकुमारी। इस पोस्ट के साथ राघव चड्ढा ने कुछ रोमांटिक और अनसीन फोटोज भी शेयर की, जिन पर चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर खूब प्यार लुटा दिया। बता दें कि एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने पिछले साल 24 सितंबर को आप नेता राघव चड्ढा से शादी की थी। कपल ने उदयपुर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। जब भी दोनों अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो उनके प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। 22 अक्टूबर 1988 को जन्मी परिणीति चोपड़ा आज 36 साल की हो गई हैं। दो दिन पहले ही करवा चौथ के मौके पर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी, जो कि खुद आप सांसद राघव चड्ढा ने शेयर की थी, जिसमें राघव पति के लिए खूब प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए परिणीति को ज्यादातर लंदन या मुंबई में रहना पड़ता है, वहीं राघव चड्ढा भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन बीच बीच में दोनों को एक साथ कई मौके पर देखा जाता है। हाल ही में हरियाणा चुनाव में राघव चड्ढा को देखा गया था। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तैयारियों के लिए अभी से राघव चड्ढा भी सक्रिय हो गए हैं। राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के प्रमुख वक्ताओं में से एक हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए राघव चड्ढा को लोगों के बीच भी देखा जाएगा। फिलहाल राघव पति परिणीति के साथ जन्मदिन मना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।